सेकंड साइड होइएगा, साइड होइए, साइड होइए। संदीप सौरभ की एंट्री फिर से आज सैंतीस हजार की बहाली में 37 बार गलती कर रही है सरकार में। जो शिक्षा मंत्री हैं, इतने बार उन्होंने बयान बदल दिया है अपना। जो विज्ञप्ति था उसमें कहा गया है कि विषयवार और कैटेगरी वाइज वो मेधा सूची जारी करेंगे और सबको ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन विधानसभा में जब सवाल ये उठाया गया तो सीधे सीधे शिक्षा मंत्री गलत जवाब दे रहे हैं। और इस पे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे निश्चित तौर से। विशेषाधिकार हनन का एक प्रावधान इसके बाद है। सारे फैक्ट को हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमने तमाम अभ्यर्थियों से कहा है कि आप अपने डेटा को दीजिए और एक्चुअल जो फैक्ट है वो दीजिए, क्योंकि आप खेल के माने खेल हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, प्राइज देने की खेल का रिजल्ट भी आ चुका है, प्राइज देने की बारी, और जब प्राइज देने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि नियम बदल दिया, ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमारी सीधी मांग सरकार से है कि जो विज्ञप्ति आपकी है विषयवार और मेधा सूची, विषयवार मेधा सूची बनाने का, आप उसको रिलीज कीजिए और सबको ज्वाइनिंग दीजिए। नियोजन नहीं चाहिए हमें, हर हाल में नियुक्ति चाहिए, यही मांग हम लोग उठा रहे हैं। संदीप जी, हमने पहले भी सवाल आपसे पूछा था, आपने भी वहाँ सदन में उठाया, आपको जवाब मिला है? जवाब जवाब जो है वो अपर्याप्त सिर्फ नहीं है, वो जवाब भी गलत है। 12 तारीख को जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें जो संख्या सरकार ने अनाउंस किया जी, आज वो संख्या बढ़ा हुआ है जी। अब जवाब में वो करें कि नहीं हमने इतना नहीं इतना ज्यादा संख्या दिया था जी, तो ये तो सही बात नहीं है। विज्ञप्ति में जब आपने कहा कि हम सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मेधा सूची तैयार करेंगे, इसका मतलब ही हुआ कि आप ज्वाइनिंग देंगे, इसका मतलब यही हुआ। उन्होंने जवाब में कहा है कि हमने कहीं भी नियुक्ति की बात नहीं कही, तो नियुक्ति कहने से नहीं होता है। अगर सीट है और इसके बराबर ही हम रिजल्ट देंगे, इसका मतलब ही हुआ कि नियुक्ति होगा। इसका मतलब आज और कल सदन चल रहा है, आप सदन में आपको बोलने का सदन में हम लोग सवाल दिए हैं, सवाल का जवाब गलत आया है, उसके बाद हमारे पास जो अधिकार बचता है गलत जवाब आने के बाद, उसको कहते हैं विशेषाधिकार हनन जी। तो विशेषाधिकार हनन के तहत हम तमाम जो जवाब है, जवाब के अलग अलग पॉइंट पे 3-4 जगह उन्होंने गलत बात कही है जी, और रिजल्ट उनको जो कहना था अपनी मर्जी से वो लोग कह रहे हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग तोड़ करके सही बात क्या है और कैसे एक विधायक के सवाल को मंत्री गलत जवाब दे सकता है जी, इसके खिलाफ हम लोग विशेषाधिकार हनन का फाइल प्रस्ताव रखेंगे विधानसभा के अंदर, और मेरे ख्याल से 5-7 दिन में वो दर्ज हो जाएगा। मंत्री जी बोल रहे हैं कि नियुक्ति नहीं देना है, इसको पढ़िए, आर के महाजन जी का लेटर है, इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनकी नियुक्ति, लेकिन नियोजन शब्द नहीं लिखा गया है। तो ऐसे हम अभ्यर्थियों से ये कहना चाहते हैं, प्रूफ है आर के महाजन जी का लेटर, हमारे हमारे व्हाट्सएप पे 500 से ज्यादा 1000 लोगों ने कम से कम लोगों ने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, सबको देखना अभी संभव नहीं, विधानसभा के समय में बहुत सारे बहालियों के लोग हमने सबको यही कहा उस समय कि सब लोग जब हम आंदोलन में आपके आएंगे तो डॉक्यूमेंट हमको हार्ड कॉपी दे दीजिए, उसके बाद हम उसका जवाब तैयार करते हैं, तो हमें हार्ड कॉपी जिन कुछ देने लायक है तो वो हमको दे दीजिए। हार्ड कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट वाला ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट वाला इसमें नहीं है, सुप्रीम उसको लगा के दे देते हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी के लिए कोई कारण मिला है, सुप्रीम कोर्ट का है ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट वाला प्रिंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कई सुप्रीम कोर्ट वाला दीजिए, तो हमें कुछ मटेरियल दे दीजिए बस। ये मटेरियल लेते हुए संदीप सौरभ, क्योंकि अब इन्होंने कहा है कि विशेष हनन अधिकार का जो मामला है अब उस पे सरकार को घेरने की कोशिश, ये मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसके बाद से इसका विज्ञापन निकालने के लिए तैयारी हुई, जिसमें कि साफ साफ ये बात कही गई है कि विषयवार रिक्तिवार जो है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये लीजिए सर। इसके बाद सर ये रहा जो श्री आनंद किशोर जी ने उस दिन जब विज्ञापन जारी किया तो उस दिन का प्रेस नोट है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कट ऑफ जो है कि उसका जारी किया जाएगा। इसके बाद सर ये रहा विज्ञापन, विज्ञापन में नंबर दो पे विज्ञापन पे सर नंबर दो पे साफ साफ लिखा हुआ है, और 12 नंबर पे सर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हीं लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा जो मेधा सूची में आएंगे, क्लियर कट सर आप देखिए, और मंत्री जी बोल रहे हैं पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। उसके बाद सर एक और लेटर आता है माननीय गिरिवर दयाल सिंह का, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, यहाँ पे देखिए सर, इस क्रम में परीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाए, गिरिवर दयाल जी भी कह रहे हैं रिक्ति हो रही उतनी ही
इसके पे केस होता है, उस केस में सर ये 85/20/2020 इसमें बीएससीबी ने काउंटर एफिडेविट जारी किया ये कहते हुए कि दैट एसटीईटी 2019 हैड नॉट बीन अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, रादर इट वाज इन द नेचर ऑफ द कंपटीशन सर टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। सर अब ऑप्शन आपके सामने है कि हाउ कैन यू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर, अगर आप मेरिट और नॉट इन मेरिट को बराबर कर दोगे सर तो हाउ कैन यू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। अगर आपको बेस्ट टीचर सर सेलेक्ट करना है तो सर आपको मेरिट के साथ में जाना ही पड़ेगा। सर ये सारे कागज जो है सर और जो भी है हमारी मांग को सपोर्ट करते हैं, और सर हम ये चाहते हैं कि ये 26 जून का जो काला कानून जो लेटर जो इन्होंने जारी किया जिसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट को बराबर कर दिया सर इसको रद्द कर रहा है, ये आदेश है जिसके वजह से सारी समस्या हुई है। सर कैसे सर इसमें एक जगह लिखा हुआ है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत, सर इसमें एक जगह लिखा हुआ है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के सर, तो सर ऐसा कौन सा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है जो कहता है कि दो अनइक्वल लोगों को इक्वल कर दिया जाए, ये तो सर कहीं नहीं होता है ना कि दो अनइक्वल लोगों को इक्वल किया जाए। अरे आपने भी एग्जाम दिया सर, हमने भी एग्जाम दिया, हमने मेहनत करी, हमने 150 के पेपर में 120 लेकर के आए और आप 70 लेकर के आए और आप हमारे बराबरी में आ जाओगे सर, ठीक है। इस तरह से जो फेल वाला स्टूडेंट है वो भी सर ये सारे करेगा तो बोलेगा कि हमको सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर, कहने का मतलब सर देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये मामला मेरिट नॉन मेरिट का नहीं होता अगर सरकार जो है वो 12 तारीख को इतना बड़ा ब्लंडर नहीं की होती, सारा जड़ तो वहीं से हुआ। हमें जो लगता है कि 12 तारीख को जो 24,599 कहा गया था वो असल में वही मेरिट था, लेकिन अब एक साथ पूरा सरकार उसके तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी शिक्षा मंत्री इतनी बार गलती कर रहे हैं, कायदे से इतने सारे विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इस मसले को लेकर के जब हम शिक्षा मंत्री के माने विधानसभा से पहले भी हम स्टेट के मुद्दे पे शिक्षा मंत्री से मिलने गए और उनको समझाते रह गए मैटर कि नहीं, हमने तो उस समय यही जो आपका ये है जिसमें विषयवार और कोटिवार मेधा सूची की बात है, हमने कहा कि इसका मतलब ही होता है कि ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइनिंग वर्ड दिखाइए, ज्वाइनिंग वर्ड कोई तर्क से बात करेगा तब ना। सीट के अलावा एक अगला मूव हमारा होगा, एक तो छात्र जो है वो आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन में हम लोग साथ हैं, हमेशा साथ हमारा एकदम हम साथ हैं। अच्छा, हम खुद ही छात्र जीवन से जस्ट निकले ही हैं, खुद आंदोलन करते हुए ही यहाँ है। और दूसरी बात है कि विधानसभा के स्तर पर, और लीगल लड़ाई भी आप लोग का चल रहा है, विधानसभा के स्तर पर विशेषाधिकार हनन का हम केस फाइल करने जा रहे हैं, और अगर नहीं मानेगा शिक्षा मंत्री, अगर नहीं मानते हैं तो संभव है कि इसको लेकर के एक अलग से कोर्ट में, अच्छा हम अपने बतौर आप अपने पर्सनल लेवल से हो सकता है कि मामला कोर्ट में, क्योंकि देखिए बिहार में नियोजन प्रणाली जब तक खत्म नहीं होगा आप एजुकेशन का क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते, और पूरे देश में बिहार को लोग इसीलिए जान रहे हैं, इसीलिए बदनाम है कि यहाँ एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो नहीं, बिल्कुल गलत है। तो एजुकेशन का क्वालिटी दुरुस्त करना ये हमारी प्रायोरिटी है ना, तो नियोजन प्रणाली से वो संभव नहीं है। माने आप बीए ग्रेजुएशन का और बीएड का मार्क्स जोड़ के दो से भाग दे दीजिएगा, ग्रेजुएशन में और बीएड में कैसे नंबर आते हैं किसको नहीं पता है। आप जब एग्जाम ला रहे हैं तो एग्जाम जब ले रहे हैं तो एग्जाम को बनाइए, एग्जाम का आधार बनाइए। और इसमें जो दिक्कत नियोजन में जो बड़ी दिक्कत है कि जिन लोगों ने मान लिया पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, अब 10 साल से वो खेती बाड़ी कुछ और काम में लगे हुए हैं, उनके पास लेकिन बीए है, अब अचानक से वो कहिए कि बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों को पढ़ाना मजाक थोड़ी है। इसीलिए ये तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट में हम खुद माने नियोजन प्रणाली बिहार से खत्म हो, नियुक्ति का सिस्टम कीजिए, एग्जाम लीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। इतने सारे इसमें अभ्यर्थी परेशान है, बराबर होता है, हार गया और जीत गया बराबर नहीं ना, सरकार हार गई जीत गई बराबर, पहला सवाल।
सरकार से पूछना है, शिक्षा मंत्री से पूछना है, नीतीश कुमार से आप पूछिए। दूसरा सवाल, हम लोगों का आमरण अनशन की तैयारी करिए, आपके नेतृत्व में होनी चाहिए। मैं उपवास में बैठूंगा फास्ट टिल देन। हम लोग सब बैठेंगे सर, आमरण अनशन की तैयारी आप करेंगे, नेतृत्व आप करेंगे। तीसरा